अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और आज पूरी टीम है जिनमें मुझे डॉक्टर साहब बड़े आज फुल फॉर्म में लग रहे हैं और सतीश भाई पूरी फॉर्म में लग रहे हैं। पाकिस्तान मैच हारा है, लेकिन हम उससे पहले थोड़ी बात करेंगे कि हमारे ये वर्ल्ड कप स्पेशल है कि ज़का अशरफ पीसी बोर्ड पीसीबी के क्या जी चेयरमैन है, क्या क्या हेड इनके है पास अभी। पोस्ट है अरे सतीश भाई? ऐसा भी मजाक ना करे, अब मैनेजमेंट अच्छा, कमेटी के चेयरमैन है यार। मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, वो बोर्ड के चेयरमैन ही एक किस्म के होते हैं। कोचिंग राइट की अप कोई है इनके पास, कोई थोड़ी सी कोई स्किल्स या सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स? ओके, तो ये वहां गए हैं पाकिस्तान का और इंडिया का एक अहम मैच देखने। बिल्कुल जाना चाहिए, हमारे पिछले भी पीसीबी के ऑफिशियल देखने जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैच होता है, यकीनन इनको इनवाइट किया जाता है। तो उससे पहले जो एक उन्होंने बहुत ही हाईली पब्लिसाइज किस्म की वो तस्वीरें आ रही है मीडिया पे कि उन्होंने एक मीटिंग की है, तो क्या कोई उस मीटिंग में किया? सती भाई आप बताइएगा, ये कुछ जरूरी थी? देखिए, मैच से पिछले दिन आप प्लेयर्स के साथ मीटिंग करें, भाई प्लेयर्स को आप फोकस करने दें ना। आप क्रिकेटर हैं ना, आप कोच हैं ना, आप मेंटोर हैं, ठीक है। आप क्रिकेट बोर्ड में वो भी पॉलिटिकली अपॉइंटेड हैं फॉर द टाइम बीइंग, राइट। तो मतलब ये कि उनका काम ही नहीं है ना, मतलब व्हाट ही हैज टू डू विद द क्रिकेट टीम। क्रिकेट बोर्ड इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, आपको अगर किसी तरह किसी ने इन कर दिया तो क्रिकेट बोर्ड चलाएं। क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम के साथ आपका क्या काम है, वो इतने इंपॉर्टेंट मैच से एक दिन पहले। और जब भी आप पाकिस्तान में आपने रोला डाला हुआ था, मुझे वीजा नहीं मिल रहा, उससे पहले कहा था जी दुश्मन मुल्क के साथ खेलने जा रहे। आई मीन दिस इज जस्ट अनप्रोफेशनल। बिहाइंड द डोर ये मीटिंग हो सकती है? डॉक्टर साहब, कोई ऐसा कोई सागा तो नहीं था उधर, वो आगे बॉल टेम्परिंग का कि वो आगे उधर ज़का अशरफ और उन्होंने मीटिंग की, या कुछ ऐसी कोई टीम में कोई इंतजार था जिसकी वजह से उन्होंने इकट्ठा करने के लिए मीटिंग की, कुछ ऐसा था? नहीं, आपको मालूम है आजकल पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर्स का बड़ा रिवाज है, तो हो सकता है कि मोटिवेशन देने के लिए गए होंगे। और ऐसा कुछ नहीं, वो चेयरमैन है, आखिर वो कर सकते हैं। और बीइंग बड़ा घर का बड़ा होने के सरबरा होने के लिहाज से ये उनका हक भी है, और वो करना भी चाहिए ताकि थोड़ा बूस्ट दे सके टीम को, थोड़ा मतलब वो अगर मॉरली डाउन भी है। लेकिन वैसे अलग बात है कि जब वो टीम में टीम बैठी है, उनकी बात सुन रही है, तो ज्यादा डिमोरलाइज लग रही है तस्वीरों में। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उनके, क्योंकि कभी सुना नहीं उनको इस तरह से खिताब करते हुए पब्लिकली, ताकि पता चल सके कि वो ऐसी कौन सी खूबसूरत बातें करते हैं जिसकी वजह से लोगों को मतलब खुशी हो और वो अपने आप को पंप अप कर सकें। मुझे अच्छा मालूम मनशा नहीं भाई, इस बात को। मनशा भाई एक चीज मैं ऐड करूंगा। इमरान खान साहब एक टाइम में कप्तान थे, 87 का वर्ल्ड कप था क्या था, तो कोई ब्रिगेडियर थे, वो क्रिकेट बोर्ड में कोई थे, लिंक थे ना, कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे। एनीवेज वो खैर वो ड्रेसिंग रूम में बार बार आ रहे थे ना, आ रहे थे बार बार आ रहे थे, और मतलब खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते। तो इमरान खान ने उनको निकाल दिया ना, हालांकि ही वाज दैट गाय वाज वर्किंग फॉर क्रिकेट बोर्ड। तो इमरान खान ने कहा तुम्हारा टीम के साथ कोई काम नहीं, तुम यहाँ से निकलो, ठीक है। तो बड़ा वो फटा हुआ, लेकिन इमरान खान वाज इमरान खान, उसने कहा कि ये डिस्ट्रेक्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब उससे ये हुआ कि फिर पीसीबी ने अपना वो जो था ना वो चेंज किया कि जी ये लोग क्रिकेट बोर्ड के जो है मैनेजमेंट वो आ सकती है ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने उस टाइम ना क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो था जो भी उनका सिस्टम था ना उसमें ये चीज ऐड की, ठीक है। फिर 99 का वर्ल्ड कप था, तो हमारे कोच कह रहे थे कि यार वर्ल्ड कप का फाइनल है और इतने सारे लोग ड्रेसिंग रूम में घुस गए हैं, हु आर यस या दे आर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीपल वट एवर, बट वी डोंट वॉन्ट देम, ठीक है। तो ये हिस्ट्री रही है हमारे यहाँ कि हम अपने जो क्रिकेटर्स को ना अहम मौके पे स्पेस नहीं देते। और आई थिंक ये ज़का अशरफ जस्ट डिड दैट इन 2023। और इमरान खान इस चीज को 1987 में कंडेम कर चुका था और बंदे को निकाला था ना उसने। तो आई मीन वी हैवन मूव्ड ऑन, 36 years लेटर वी स्टिल हैवन लर्न्ड। एटी पीछे सेवन में जो निकाल निकाल 87 में उनको निकाला था, तो आप खुद भी तो दूसरी बात यह है कि अगर ये देखूं मैं कि अगर यहाँ से वो जैसे पीछे हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट का मामला हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट के मामले पे भी जब ज़का अशरफ ने कहा कि वो प्लेयर जिस तरह हैं और उन्होंने और हफीज और वो इंजमाम ने बात मानी गई, हफीज और उनकी नहीं मानी गई और कोच कैप्टन की बात मानी गई, तो यहाँ भी मेरा ख्याल ये सिर्फ यही शायद कह सकते हैं कि इतने पैसे बढ़ा देंगे या तुम्हें सी में ले आऊंगा, किसी को बी में ले आऊंगा, और तो कुछ नहीं। चले, इन बातों से दरकिनार, ये हमने छोटा सा एपिसोड करना था। यकीनन वो बोर्ड के इस टाइम होली सोली है, वो बिल्कुल मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेस और ये पब्लिसाइज करना और इतना टाइम टीम का और मीडिया के सामने लाना, मेरा ख्याल इस टाइम उनको रीग्रुप होके बैक डोर में ये मीटिंग करनी चाहिए थी और पब्लिसाइज नहीं थी करनी चाहिए। चले, डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे सती भाई? हाँ, इसमें बड़ी मजे मजे की मीम्स बन रही हैं, वो देख लीजिए।
अगर होंगे तो हम भी शेयर कर देंगे हमारे पास में। चलो और नाजिक ठीक है, आपको पता है कि हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, एक हम ऑल तो इतने अच्छे लोग नहीं है, लेकिन हम एक लेवल से नीचे की लैंग्वेज यूज नहीं करते जो हो रही है उनके बारे में और ओवरऑल हो रही है। हम उस चीज को डिस्करेज करते हैं कि यार मीम्स बनाएं लेकिन फाउल लैंग्वेज यूज ना करें, क्योंकि मौजिब कौमों को जेब नहीं देती, लेकिन वी कंडेम इट और वी थिंक दिस इज नॉट क्रिकेट, और इस तरह के इकदाम जो है हमें मेच्योर हो जाना चाहिए बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरह, कि प्लेयर्स को थोड़ी स्पेस दें, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अहम मैच है, दैट्स द गेम, दे एक्चुअली नीडेड सम स्पेस, और वहां पे आपने जाके जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उनके साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं मीटिंग कर ली, उनका टाइम भी जाया किया और उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी किया, तो मेरा ख्याल है कि दैट्स वेयर वी गॉट इट रॉन्ग। चले जी, वर्ल्ड कप के एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।